जयपुर जिले में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी महोत्सव। वैसे तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की धूम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। जहां वृंदावन, मथुरा और देश के अन्य राज्यों में इस फेस्टिवल की अनूठी परंपराएं हैं। इस पर्व पर महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाकर महाआरती का आयोजन किया जाता है। रामपुर जिले की चौकी मसवासी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव का आयोजन किया गया। आज आदर्श नगर पंचायत मसवासी चावपुरा में श्री कृष्ण की छठी का महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, जहां पर महिलाओं ने श्री कृष्ण और राधा जी की सजी झांकी के आगे गाजे वाजे के साथ महिलाओं ने गीत गाए और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का भोग लगाया। तो साथ ही महिलाओं ने आयोजन के मौके पर जमकर नृत्य किया, जहां पर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। जाती है, सबको बुलाती है, कीर्तन करती हैं, खूब कड़ी चावल बनाती हैं, खूब अच्छी तरीके से जो उत्सव मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाती हैं और खूब धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। 8-9 साल हो गए हमें मनाते हुए उत्सव। आपने गाने का प्रोग्राम भी करती हैं, जब बच्चे भी प्रोग्राम करते हैं अपना कृष्ण जन्माष्टमी का, राधा कृष्ण का। आज शिव मंदिर चावपुरा का कृष्ण जी की छठी का प्रोग्राम हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर कृष्ण जी की छठी तक रोज भजन कीर्तन होता है और आज कड़ी चावल का प्रसाद बटा है, तरह तरह की झांकियाँ निकाली हैं और गीत का प्रोग्राम हुआ है, महिलाओं ने नृत्य आदि किया है और पूरा प्रोग्राम आज हुआ है। पिछले 9 सालों से प्रोग्राम लगातार हो रहा है। छठी का पर्व जो है यहाँ पर बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सुंदर सुंदर झांकियाँ कान्हा जी की, राधा जी की निकाली जाती हैं बहुत धूमधाम से। सारी सखियाँ उन्हें बधाई देती हैं और बहुत ही प्रेम से ये परिवार को पर्व मनाते हैं और काफ़ी उत्साह से प्रोग्राम करते हैं। हम इस पर कान्हा जी का कड़ी चावल उड़द फूल झांकियाँ हर किसी चीज़ से 56 भोग से हम भगवान जी का भोग लगाते हैं। बड़े बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं और प्रेम से चावल से प्रभु जी भोग लगाते हैं। हर साल ही मनाते हैं हम बहुत ही खुशी से। मतलब जब से शुरुआत करिए 10-11 साल से हम इसको बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और मना